सिरसा भी है हमारे साथ ऑलमोस्ट मुकुल सैनी। तो आज हम आए हैं मंथली रूटीन करने। तो मंथली रूटीन करने के साथ साथ हमने सोचा कि एक क्यों ना एक वीडियो बनाएं जो कि फ्रेशर्स वो आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए थोड़ा सा लाभदायक। तो वेयर वी आर करंटली स्टैंडिंग, दिस इज आफ्टर आवर वेसल, एज यू ऑल नो कि हमारा एकोमोडेशन फॉरवर्ड है। आई थिंक यू कैन हेयर मी राइट, से चीयर्स। चीयर्स। सो दिस इज आवर सेकेंडरी मस्टर स्टेशन, मस्टर स्टेशन नंबर 1। दिस इज एज पर द फायर कंट्रोल प्लान मार्किंग सा गिवन। तो ये हमारा मस्टर स्टेशन है और ये रही हमारी फ्री फॉल लाइफ बोट। तो लाइफ बोट का अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग आए हम डेविड ट्राई आउट करना चाहते हैं, ठीक है, मंथली रूटीन है। तो हाउ वी आर गोइंग टू ट्राई आउट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट यू आर गोइंग टू सी इन द कमिंग वीडियो अलॉन्ग विद क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं लाइफ बोट के अंदर, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे और क्या क्या हम इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करते हैं, किस प्रकार से हम लोअर करते हैं वो देखेंगे आगे वाले आने वाले वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं और मुकुल सैनी जी बताएंगे क्या क्या है इसका स्पेसिफिकेशन। तो मुकुल सैनी साहब, लेट स्टार्ट फॉर द व्यूअर्स। तो ये है हमारी फ्री फॉल लाइफ बोट, एज यू कैन सी इसकी लेंथ है 20 मीटर, सिटिंग कैपेसिटी है 26 persons, और इसका जो लेंथ है वो है 6.60 meters, इसका जो डेप्थ है वो है 0.96 meters, हाइट इसकी है ऑलमोस्ट 3.10 meters। तो इसका जो टोटल वेट है इस लाइफ बोट का वो नॉर्मली वेट 5,895 kg, और इसका जो मैन्यूवरिंग है वो 6 knots की स्पीड पे 24 आवर्स के लिए होता है, मतलब इतना इसमें फ्यूल कैपेसिटी होना चाहिए कि 24 आवर्स के लिए चले और एट द रेट ऑफ 6 knots। हाँ, स्पीड शुड नॉट बी लेस देन 6 knots। और अगर टोइंग कर रहा है, टोइंग मतलब कि टोइंग कोई लाइफ राफ्ट और समथिंग, तो इसका शुड नॉट बी लेस देन 2 knots स्पीड। और आइए देखते हैं इसका। ये एंट्री कर ली है मैंने लाइफ बोट में। मार्किंग्स देख सकते हैं कि सीट मार्किंग की गई है, बिकॉज पैनिक सिचुएशन में पीपल डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ड्रिल्स, राइट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ड्रिल्स, कि हमें पता हो पैनिक सिचुएशन में हम पैनिक ना करें, काम एंड कंपोज रहें, किस प्रकार से हमें बैठना है, क्या क्या साथ में लेके आते हैं हम, सेफ्टी हेलमेट एंड ऑल दे आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड
And then with a life jacket, no, you're not going to sit along with the life jacket. But you will keep, we are generally keeping the life jacket and the immersion suit forward where we are sitting. So the markings are given. Markings as per numbers. 1917, blah blah blah. This is my seat. This is chief officer seat. So yahan par kya kya hai basically. Let us have a look. So crew list, updated crew list maine rakhi hai. Updated inventory maine rakhi hai. So monthly checking mein I am going to check all these equipments are there. Visually I am going to inspect them, right? And this is 2 kg DCP, dry chemical powder. So iski inspection maine kar di thi pehle hi. When maine monthly inspection of all extinguishers kiya hai, 60 ke bhi monthly inspection ho gayi hai. So iske baad main aapko engine aur kya kya equipments hai wo I am going to show. Okay, first of all I will let you know. This is the lifeboat charger जो कि मैंने disconnect किया अभी बाहर because I am going to try out engines. So we have two sets of 90H type accumulator for new and start the engine. It is maintenance free type and can charge, right? So what I was doing outside was charging it. The charge transformer is provided by David. It is installed in the electrical control box for David. You can see over there. Provide the charger and the charge cable. The length is not less than 15 meter. Correct. So this is what I have taken out. It's being connected over here, and this is the electrical charger. So guys, prior starting the engine, as I have told you, ki I am going to start the engine. So I'll ensure that the batteries are in serviceable condition, correctly connected. I am going to check the oil levels in the engine, which I am going to show you right now. Our fuel tank is full, diesel oil which we are using for maneuvering this one, and fuel valve on bottom of the tank is open. All water drain plugs and cocks are closed. Water level in the header tank is filled up with mixture of water, antifreeze. Ensure that the gearbox is in neutral, same jaise gaadi chalu karte hain neutral mein we used to keep, and switch off and disconnect external power supply to the boot. So that I have already switched off. So these are the checks which I have to carry out before starting the engine. So let's go. So this is how I'm going to check the oil level. So oil is full, guys. I will just try to close this one. गाइस ये रहा आपका हमारी लाइफबोट का इंजन, और इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए मैं मुकुल जी को बता बोलेगा. आराम से आराम से. सो अपना जो इसका इंजन का टाइप है इस लाइफबोट का, वो है यनमार 3JH30A, और जो पावर इसका वो है 22.1 किलोवाट का. इसके बाद इसका जो RPM है, लाइक फुल RPM जो है वो है 2900 RPM, लाइक रोटेशन पर मिनट. कूलिंग मेथड है इसका वाटर कूलिंग. सो कूलिंग मेथड लाइक वाटर कूलिंग है इंजन की. हाँ बस. स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील है जैसा अपना कार होता है. और प्रोपेलर जो है इसका वो D400 × H390 है. और इसमें जो लूब ऑयल डलता है वो है 190L मॉडल आता है इसका, 190L. बाकी इसका कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक वो है 190 लीटर. यस. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, सो वी हैव डन ऑल द चेक्स प्रायर स्टार्टिंग इंजन. नाउ मुकुल सैनी इज देयर. सो गाइस मैं आके बैठ के अपनी गाड़ी पे, गाड़ी का देखो व्हील है, घूम रहा है. सबसे पहले इसमें बैटरी का जो पावर है उसको ऑफ पर है, उसको लाइक फर्स्ट पुल दिस रेड नॉब या जस्ट पुश इट स्विच टू 1. सो वी कैन एक्सेस फ्रॉम 3 टाइम, लाइक 1 2 2 एंड बोथ. सो व्हाट एवर यू लाइक, बट व्हाइल चेकिंग यू हैव टू ट्राई ऑल द थ्री करेक्ट. 1 2 एंड 3. ओके. सो एज लाइक अपनी गाड़ी में जैसे होता है, वी कैन स्विच ऑन आवर कार और ऑफ टू ऑन. And now
R2 स्टेयरिंग स्टेयरिंग R2 स्टारबोर्ड R2 स्टारबोर्ड ओके R2 पोर्ट ओके वर्किंग मिडशिप पीछे नहीं थोड़ा थोड़ा और ले पोर्ट साइड और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था ये क्या होता है दिस इज इमरजेंसी स्टीयरिंग टिलर सो टिलर को इफ आवर स्टीयरिंग इज नॉट वर्किंग सो दिस इज कॉल्ड एज इमरजेंसी स्टीयरिंग आई विल जस्ट ओपन दिस वन फॉर यू गाइस ओके सो आई विल यूज़ दिस एमएनसी स्टेयरिंग टिलर एंड आई विल एंगेज दिस हेयर एंड सेम लाइक जो बोट्स में यूज टू डू नो सो वी कैन स्टेयर विच एवर वे यू वॉन्ट टू गो दिस इज कॉल्ड एज एमरजेंसी रिलीज सिस्टम सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी इट इज सिचुएटेड टू द आफ्ट ऑफ द वेसल सो यू जस्ट दिस इज़ द पिन एज यू कैन सी इस पिन को निकालो एंड सेम जैसे कि आपने उधर 5 times क्लॉक वाइज किया था सेम यू हैव टू डू क्लॉक वाइज एंड यू विल सी 4-5 times वैन यू डू द हुक विच आई हैव शोन यू विल रोटेट एंड दिस फ्री फॉल लाइफ बोट डर बैठा होता है ना लोगों में इसके कारण ये स्प्रिंग और ये पिस्टन स्प्रिंग ये
पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट है, मैनुअल है लाइक बाइबल। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें लिखी हुई है एज पर द थोड़ा सेफ्टी ऑफ लाइफ एक्टी। फिर ये है अपना विसल है, वाटर कंटेनर है छोटा। फिर अपने पास में तीन रॉकेट पैराशूट हैं, होने चाहिए चार, तो चार हैं, चार रॉकेट पैराशूट हैं, उनको भी सेफ से रखते हैं। छह हैंड फ्लेयर, चार रॉकेट पैराशूट और दो स्मोक सिग्नल। तो आप देखेंगे स्मोक सिग्नल तो दिखाई नहीं, स्मोक सिग्नल तो नहीं दिखाई, ये रहे दो स्मोक सिग्नल। फिर है अपने पास दो पॉइंट लाइन, पॉइंट लाइन है अपने पास, ये भी डाल देते हैं अंदर। फिर ये है हमारे पास टूल किट, एनएमआर का टूल किट। फिर ये हमारी है टॉर्च लाइट विच इज विथ टू स्पेयर बैटरीज सेल। ये एक नाइफ, बहुत अच्छा नाइफ है, जैक नाइफ। ये फिशिंग इक्विपमेंट्स ही हैं। ये हमारे पास गाइस मेडिसिन है, एंटी सिकनेस टैबलेट्स, और ये टिन ओपनर, मल्टीपर्पज लाइक वाटर किट बोल लो, टिन बोल लो, फर्स्ट एड किट। घंटी लगाने की देरी है, घंटी लगने की देरी है, वैसे लगा रखी है दो घंटिया।